नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एंड गवर्नेंस आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर इज स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अन अकेडमी इज मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर इज वेल अप्रैल ट्वेंटी एट्थ टू यू कैन यूज़ द कोड अर्पिता टेन टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑफ़र In this offer, you will get an extended subscription on your plus plan. If you take a one-year subscription plan on an academy in UPSC category, your plan will be valid till July 31st, 2022, or prelims 2022, whichever is later. Suppose the prelims 2022 is conducted in June. Plan will be extended till 31st of July 2022. But if prelims is postponed for some reason, your plan will be valid till your prelims exam the same applies to 2 year subscription plan as well this offer is valid till april 28th 2021 the links of all the new batches have been provided in the description box of this lecture make sure you subscribe today and use the code arpita10 to get 10% discount on your plus subscription today the new batches for upsc cse 2021 2022 and 2023 aspirants are Also, starting from 28th of April, the two year batches for UPSC CSE prelims are also starting from 28th of April, which are in bilingual as well as in Hindi as well as in English language. The NCRT batches for UPSC CSE prelims have also started on 28th of April. Strengthen your basics NCRT bilingual batch, NCRT ka sampoon pathekaram, and strengthen your basics for NCRT English batch. The one year batches have also started.

विच एम्प्लाइज द ट्रांसफरेंस ऑफ पावर टू रूल टू दोएस्ट रंग्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर इन द फंडामेंटल राइट्स लेक्चर आई टोल्ड यू दैट स्टेट का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावर कंज़म्पशन का जो कंसेप्ट है क्योंकि जो स्टेट है हम सभी लोग डेमोक्रेटिक बिहेवियर में अपना कुछ पावर अपना जो पावर है बींग ह्यूमन इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक दिस पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट और स्टेट की फिर डिफरेंट हेरार्कीज हैं जो कि सेंट्रल लेवल पर हम देखते हैं फिर हम देखते हैं स्टेट लेवल पर और इसका जब एक बड़े नेशन पर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं पावर का पावर स्ट्रक्चर का उसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी बहुत जरूरत है दैट इज़ अ रीजन दैट इट इम्प्लाइज द ट्रांसफरेंस ऑफ पावर टू रूल टू दोएस्ट रंग्स ऑफ द पोलिटिकल ऑर्डर इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डेमोक्रेसी की जो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि हिरारिकल स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए कि कंप्लीट उसको पॉलिटिकल ऑर्डर में रन किया जा सके अगर केवल सेंटर में ही सारी एक्सट्रीम पावर होंगी जैसे कि पहले के ज़माने में होता था जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट नहीं होती थी वेदर इट इज इट वॉज़ इन देंशन टाइम और इन द मेड वलैरा आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का जो मकैनिज़म था वो इतना अच्छा नहीं था एफिशेंट नहीं था देर वॉज मैल एडमिनिस्ट्रेशन एंड करप्शन लेकिन उसी को चीज़, उसी चीज को ठीक करने के लिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्लेज द रोल इट इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक द पार्टिसिपेशन ऑफ इवन द ग्रासरूट लेवल ऑफ द सोसाइटी इज इन्श्योर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए द विलेज पंचायत का जो कंसेप्ट आपको दिस डेड बैक इवन इन द मैथोलॉजिकल डिटेल्स इन दी मैथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्रीज जो भी आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट रिलीजन्स में जो कंसेप्ट है विलेज पंचायत का या समथिंग जो कि ट्राइबल अफेयर से जुड़ा हुआ था जहाँ पर ट्राइब जो थे वो एक पर्टिकुलर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ल में काम करते थे वो आपको हर रिलीजन में हर सोसाइटी हर कल्चर में देखने को मिलेगा बट द कंसेप्ट ऑफ पंचायत इट इज़ वेरी मच इट वॉज वेरी मच लिमिटेड टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्ट द विलेज पंचायत एज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम आज समझते हैं एज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिगे इन द ब्रिटिश डेज दो इसका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी पुराना है पंचायती राज का जो कंसेप्ट है इट इज़ वेरी ओल्ड लेकिन एज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट बिगेन इन द ब्रिटिश डेज

चाहे वो टर्किश इन्वेजन के दौरान हो अगर कोई बाहर से रूलर आता है या फिर इवन ब्रिटिशर्स तो उनके पास सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही था कि लोगों को हम एडमिनिस्टर कैसे करें या लोगों के ऊपर कंट्रोल कैसे स्थापित करें उसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल था टू स्टार्ट ऑफ द बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और यही कंसेप्ट हमें विलेज पंचायत में देखने को मिलता है नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट हाउ डिड द कंसेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इवॉल्व इन इंडिया देखिए इवन दो सच माइनर रिफॉर्म्स ऑफ लोकल गवर्नेंस वॉज एविडेंट इन इंडिया ऑल टुगेदर द फ्रेमर्स ऑफ द कंस्टिट्यूशन अनसेटिस्फाइड एग्जिस्टिंग प्रोविजन इंक्लूडेड आर्टिकल फोर्टी जिसके बारे में जो स्वर्ण रूल है जो सेल्फ रूल है ऐसे इवन टोल द डी बी एस पी लेक्चर जहां स्टेट कहा जाता है आर्टिकल फोर्टी में द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत पावर्स एंड ऑथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल टू फंक्शन एज यूनिट सेल्फ गवर्नमेंट और यही गांधी जी का कंसेप्ट था सेल्फ गवर्नेंस का लेटर द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया टू प्लेस थ्रू दम फॉर्मेशन एंड एफर्ट ऑफ फोर इंपॉर्टेंट कमेटीज इनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो कमेटी थी इसको कहा जाता है कि ये एक माइल स्टोन था वैन इट कम्स टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रवोल्यूशन क्योंकि नाइनटीन फिफ्टी सेवन से लेकर अगर आप देखेंगे एट्टी सिक्स तक काफी सारी कमेटीज़ आती है मेजर जो इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं यू नीड टू रिमेंबर वो फोर कमेटीज हैं विच विल बी टेलिंग द फर्स्ट कमेटी इज द बलवंत राय मेहता कमेटी नाइनटीन फिफ्टी सेवन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट

अब इसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थी देखिए पहला इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था इस्टेबलिशमेंट ऑफ थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम नाउ व्हाट इज थ्री टायर देखिए थ्री टायर को आप समझ सकते हैं थ्री लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम जिसमें सबसे पहला लेवल होगा डायरेक्ट इलेक्शन लेवल जिसको कि हम बोलते हैं विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत उसके बाद होता है आपका पंचायत समिति का लेवल जो कि ब्लॉक लेवल पर है एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो टायर्स हैं पंचायती राज सिस्टम में जैसे जैसे यू विल बी मूविंग ऑन अप ऑन द पिरामिड ऑफ दीज टायर्स जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हिरारगी में वैसे वैसे आपको इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशियसी एंड डिक्रीज़ दी वर्थलेस एफर्ट्स वर्थलेस एफर्ट्स का मतलब क्या है जो आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को या एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म को स्लो करते हैं उससे हमें अगर हटना है और जो प्रोसेस है उसे एफिशिएंट बनाना है तो डायरेक्ट इलेक्शन जो कि ग्राम पंचायत में होंगे और अगर आप सबसे ऊपर देखें ज़िला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो यहाँ पर आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है एंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी द चेयरमैन ऑफ ज़िला परिषद यानी कि जो ज़िला परिषद है उसके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे एंड द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर टू दिस बॉडीज़ टू बी इंश्योर्ड अब होता क्या है जो एग्जिस्टेंस उस समय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो एग्जिस्ट कर रहा था इट दैट एक्सेप्टेड दी रिकमेंडेशन हाउ इट डिड नॉट इंसिस्ट ऑन अ सिंगल एंड डेफिनेट पैटर्न टू बी फॉलोड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई कंक्रीट मैकेनिज्म नहीं था कोई पैटर्न नहीं था जिस पर ये जो इस्टैब्लिशमेंट है काम करेंगी रेदर इट वॉज अलाउड टू स्टेट टू डिवाइज यर ओन पैटर्न और ये उस समय की नीड भी थी आजकल काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि क्रिटिक्स जो हैं बलवंतराय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशनस हैं उनको बहुत ही एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि स्टार्टिंग में नाइनटीन फिफ्टी सेवन में जब हमारा देश कंप्लीट तरीके से एक ऐसे डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के रोड मैप पर नहीं चला था वी वर जस्ट ट्राइंग वी अ कंट्री जो कि अभी कॉलोनियलिज़म से बाहर आ रहा था आया था ऐसे समय में स्टेट के पास पावर होना कि वो खुद डिवाइस कर सके एक लोकल सेल्फ गवर्नेट बॉडी की पैटर्न्स को इट वाज वेरी मच नीडेड वरना ऐसा होता कि अगर हम सबके लिए एक सेम पैटर्न लगा देते तो फिर राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे जो दो, दो राज्य हैं वहाँ पर जो लोकल बॉडीज हैं और जो सोसाइटी हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं उनकी नीड्स डिफरेंट हैं इसलिए पैटर्न्स भी डिफरेंट होने चाहिए और स्टेट के पास इसको रखा गया इस पावर को वाइल द ब्रॉड फंडामेंटल्स वर टू बी द सेम थ्रू आउट द कंट्रीज यानी कि आप फंडामेंटल्स को स्ट्रक्चर को सेम रखो लेकिन उसके अंदर जो मकैनिज़म है जो काम करने का तरीका है जो पैटर्नस हैं उनको स्टेट अपने तरीके से डिवाइस कर सकती है राजस्थान ने नाइनटीन फिफ्टी नाइन में इस सिस्टम को सबसे पहले अडॉप्ट करा दैट यू शुड रिमेंबर एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश इन द सेम ईयर सम स्टेट्स ईवन वेंट अड टू क्रिएट फोर टायर सिस्टम कुछ स्टेट्स ने तीन टायर सिस्टम यानी कि ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद के बाद एक चौथा टायर सिस्टम भी लगाया जिसको हम बोलते हैं न्याय पंचायत जो कि जो सिस्टम था इट मोर ऑफ द जुडिशियल बॉडीज तो आपको यह भी याद रखना है कि आप समझिए द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो इस लेवल पर हमने डिसेंट्रलाइज करा दैट इट वाज इवन व्हेन द बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्टेड कि तीन टायर के लेवल होने चाहिए कुछ स्टेट्स में चार टायर के लेवल भी आए जहां पे न्याय पंचायत भी था नाउ द सेकेंड कमेटी इज अशोक मेहता कमेटी सेवन जनता गवर्नमेंट ऑफ द टाइम टू स्टडी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड आउट ऑफ अ टोटल याद करने की जरूरत नहीं है इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन आपको याद होने चाहिए दीज आर दी थ्री टायर सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड बाय टू टायर सिस्टम अब ये टू टायर सिस्टम और थ्री टायर सिस्टम की रिप्लेसिंग ऐसा क्यों था देखिए कई जगह पर ये प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि जहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को कम्प्लीटली मनवाना है वहाँ पर बार बार बहुत तरीके से जो टायर्स थे उसकी वजह से सिस्टम में इनफिशेंसी आ रही थी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपको एक लैंग्वेज अगर आप हर जगह पर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उस लैंग्वेज को समझना डॉक्यूमेंट्स को समझना ओवरऑल या वर्बल या रिटर्न समझना आसान है लेकिन अगर उसी जगह पर आपने तीन लैंग्वेज करा है तो आपको ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसी तरीके से जितने ज़्यादा टायर सिस्टम्स होंगे जितने ज़्यादा टायर की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा और प्रोसेस इनफिशेंट होगा इसलिए यहाँ पर बात करी गई कि दो टायर का सिस्टम होना चाहिए तीन टायर का नहीं होना चाहिए इट शुड बी रिप्लेस्ड then the political party should participate at all levels in the election that was also one of the recommendation जिससे कि ज्यादा से ज्यादा participation हो प्लस compulsory पावर्स ऑफ taxation टू बी गिवन टू दीज institutions क्योंकि taxation का एक पावर ऐसा पावर है विच कैन हेल्प जिससे कि इनको पावर जो है जो कंप्लीट सेंस में स्टेट के पास था patterns को डिवाइस करने के लिए वो अब पंचायत के पास भी जाए जिला परिषद टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग ऑफ द प्लानिंग एट द स्टेट लेवल इट वॉज ऑल्सो मेड वन ऑफ द मिनिस्टर फॉर पंचायती राज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी बात ये भी रिकमेंडेशन अशोक मेहता कमेटी ने सामने रखी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंस्टिट्यूशनल रिकोगशन टू बी गिवन टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो कि पहले नहीं हुआ था नाइनटीन सेवनटी सेवन से पहले लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनता गवर्नमेंट को लैब्स बिफोर एक्शन कुड

यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोसीजर्स हैं जो पावर वेस्ट आप करना चाहते हैं लोकल लेवल पर वो नहीं थी उसकी वजह से आपने अगर लोकल लेवल की गवर्नमेंट बॉडीज़ बनाई भी अगर उनके पास डेवलपमेंट प्रोसीजर्स के लिए पावर ही नहीं है तो वो काम ही नहीं कर सकती हैं ये बिल्कुल ऐसी घास के तरीके से हैं जिनके पास रूट्स नहीं हैं जिला परिषद टू बी गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस एंड ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो एट दैट लेवल टू बी हैंडेड टू इट इसकी एक ये भी रिकमेंडेशन थी एंड प्लस दी पोस्ट ऑफ डीडीसी जिसको कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कहते हैं इसकी भी क्रिएशन होनी चाहिए थी एक्टिंग एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद यहाँ पर जी वी के राव कमेटी में हमें यह देखने को मिलता है कि जिला परिषद को पावर ज्यादा दी जा रही थी ऐसा इसलिए भी था कि जो जिला परिषद थे इट वॉज द बॉडी जो कि ट्रांसफेरेंस पर काम करती है ट्रांसफेरेंस मतलब है कि जो गांव है और जो शहर है उसके बीच का जो ग्रे एरिया है जो ग्रे जोन है अगर वहाँ पर हम पावर वेस्ट करते हैं वहाँ की लोकल गवर्नमेंट पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर यानी कि ज़िला परिषद पर बाय द पोस्ट बाय द क्रिएटिंग द पोस्ट ऑफ डीडीसी या फिर अगर हम प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाते हैं डेवलपमेंट प्रोसीडर्स को और स्मूथ करते हैं उससे होगा यह कि ज़िला परिषद अगर अच्छे से काम करेंगे तो इट विल क्रिएट अ रोडवे जहाँ से जो दो नीचे के टायर हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जैसे ग्राम पंचायत हो गया या फिर इवन न्याय पंचायत भी हो गई जहां फोर टायर गवर्नमेंट है टायर जो हैं काम करने के लिए वो और इजी हो जाएगा प्लस रेगुलर इलेक्शन टू बी हेल्डो रिकमेंडेशन ना दॉ दी एल एम सिंघवी इन एस दिस कमिटी वॉज कंस्टीट्यूटेड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट ऑन रीवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी पहली ये थी दट कंस्टिट्यूशनल रिगोगनेशन फॉर पी आर आई इंस्टीट्यूशंस एंड न्याय पंचायत टू बी स्टैब्लिश फॉर क्लस्टर ऑफ विलेजेस यहां पर आपको जो फर्स्ट कमेटी थी नाइनटीन फिफ्टी सेवन में उसका जो कंसेप्ट था नया पंचायत का फोर्थ टायर फोर्थ टायर का वो आपको यहाँ पर रिविजिटिंग में देखने को मिलेगा नया पंचायत तो टू तो बी इस्टेब्लिश फॉर क्लस्टर्स ऑफ विलेज दो दिक्सटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूसड इन द लोकसभा इन नाइनटीन एटी नाइन इट सेल्फ राज्यसभा ने इसको अपोज किया इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टर्म्स दैट द आइडिया फाइनली बिकेम अ रियालिटी इन द फॉर्म ऑफ सेवनटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट एक्ट्स नाइनटीन नाइनटी टू

Part 9 and then Part 9a to the constitution. It also added two new schedules, Schedule 11 and 12, which contains a list of functional items of panchayat and municipalities. It provides for a three tier system of panchayati raj in every state at the village, intermediate, and district levels. कई बार आपको मैच द फॉलोइंग में या फिर जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं इन वन डे एग्जाम्स ऑफ स्टेट पी सी एस समाइम्स ऑफ आसड एन प्रियम्स एज वेल यू विल बी गिवन दीज स्टेटमेंट्स जहाँ पर आपको याद होना चाहिए यू शुड रिमेंबर दिस फैक्चुअल स्टफ दैट दी दिस्यूल इलेवन एंड ट्वेल्व कंटेन द लिस्ट ऑफ द फंक्शनल आइटम्स ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ अदर क्वेश्चन कम्स वाट आर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ देखिए पंचायत और म्युनिस्पैलिटी हैं जनरिक टर्म्स हैं फॉर डिफाइनिंग द गवर्न बॉडी एट द लोकल लेवल बोथ एग्जिस्ट एज द लोकल इंटरमीडिएट एंड द अपर लेवल्स सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट एक्ट ने प्रोवाइड करा है फॉर अ ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इट इज असेंशियली अ विलेज असेंबली कंजिस्टिंग इन द एरिया ऑफ द पंचायत दि स्टेट हैज़ द पावर टू डिटरमाइन वट काइंड पावर इट कैन एक्सरसाइज एंड वाट फंशंस इट हैज टू परफॉर्म एट द विलेज लेवल उसके बाद जब सेवेंटी फोर्थ कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया इट प्रोवाइडेड थ्री टाइप्स ऑफ म्यूंसिपैलिटीज़ अब म्यूनिपैलिटीज़ में भी आपको तीन डिवीजन देखने को मिलते हैं पहला अगर हम ऊपर से बात करें यानी कि लार्जर अर्बन एरिया के परस्पेक्टिव से बात करें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसके बाद स्मॉल अर्बन एरिया में आपका आता है म्यूंसिपल काउंसिल्स और उसके बाद जो अर्बन एरिया रूरल एरिया का जो ग्रे एरिया है जिसकी बात मैं आपसे पहले पिछली साइड में कर रहा था वहाँ पर आता है आपका नगर पंचायत विच इज़ अ ट्रांजिशनल एरिया नाउ म्यूनसिपैलिटी रिप्रेजेंट अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ टू एक्ट्स आर पैरल डिफरिंग ओनली इन द फैक्ट कि एक जगह आपका पंचायत और एक जगह आपके म्युनसिपैलिटी की बात की करी जाती है इसलिए आपको काफ़ी इसमें अंडरलाइन पैरेललिज्म यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे पंचायत और म्युनसिपलिटी की जो दो सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट एक्ट है इनमें को बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगी ईच ग्राम सभा इज द मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉल्ड वार्ड एंड ईच वार्ड हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव चूजन चोजन अमंग फ्रॉम अमंग द पीपल दैम सेल्स बाय डायरेक्ट इलेक्शन द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत और म्युनसिपैलिटी एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग दीज रिप्रेजेंटेटिव एट द

टाइप्स हैं इसके देर आर एट टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स जो कि करंटली एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में फर्स्ट इज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस दैन म्यूनसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया कमिटीज टाउन एरिया कमेटी कंटेनमेंट बोर्ड टाउनशिप पोर्ट ट्रस्ट स्पेशल पर्पस एजेंसी दीज ऑल आर दी एट टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स ये जो आठ टाइप्स हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के आपको इसके अलावा एक या दो टाइप जो कि टाइप्स नहीं हैं उसमें आपको कंफ्यूजन के लिए कोई एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन रख सकता है बट यू शुड रिमेंबर ऑल दीज एट टाइप्स नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ आर द इलेक्शन हेल्ड इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन कैसे होते हैं देखिए ऑल दी सीट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल बॉडीज आर फिल्ड बाई पीपल चोजन थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन हैंड्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन कन्फ्यूज नहीं होना है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है सारा जो कॉन्डक्ट है इलेक्शन का एंड नॉट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द चेयरपर्सन एट दी इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स शैल बी इलेक्टेड इन इनडायरेक्टली फ्राम अमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट द इमीजिएटली लोअर लेवल एट द लोएस्ट लेवल चेयरपर्सन शेल भी इलेक्टेड इन अ मोर डिफाइंड बाई द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सीट्स आर रिजर्व फॉर एस सी यानि स्केडूल कास्ट एंड स्कीड्यूल ट्राइब्स प्रपोशनल टू दॉपुलेशन यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर एस सी एस टी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है तो वहां पर सीट्स भी कम होंगी अगर ज्यादा है तो वहाँ पर सीट्स की रिजर्वेशन भी ज्यादा होगी आउट ऑफ दिस रिजर्व सीट नॉट लेस देन वन थर्ड शेल बी फर्द रिजर्व फॉर वेमेन there should be a blanket reservation for one-third seats for women in all constituencies taken together two which can include the already reserved seats for scst yani ki scst ke seats alag hain women ki alag hain ab iske andar aapko yaad rakhna hai whenever you are trying to write the answers from the mains perspective वहाँ पर जहाँ भी आपको सोसाइटी of women ke bare mein pucha jaye you can also give the examples like the reservation of the seats of women in the elections at the local government bodies the act bars the interference of courts in any issue relating to the election to local bodies we also need to remember this now what are the qualifications needed to be a member of the panchayat or municipality the first one is that any person who is qualified to be a member of the state legislature is eligible to be a member of the panchayat or municipality but he shall not be disqualified on the ground that he is less than 25 years of age

Fresh elections should be conducted before the expiry of the five year term. And if the panchayat municipality is dissolved before the expiry of its term, the election shall be conducted within six months. And the new panchayat or municipality will hold office for the remainder of the term if the term has more than six months' duration. And for another five years if the remaining term is less than six months. Now, the question comes we have talked about the duration. हुआ आर इलेक्टेड वट आर द ग्राउंड ऑफ इलेक्शन नाउ द क्वेश्चन पावर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज देखिये जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली डिफाइंड नहीं है दे कैन बी टेलर फिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द इनवाइट ऑफ द स्टेट इसलिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के पास पावर कम होने की वजह से कई बार डेमोक्रेटिक डिसेंट्राइजेशन के ऊपर क्रिटिक भी करा जाता है इन जनरल द स्टेट गवर्नमेंट कैन असाइन पावर्स टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ दैट मे इनेबल देम टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस दे मे ऑल्सो बी ऑथोराइज टू लिवाई कलेक्टर अप्रोप्रिएट टैक्सेज बट यू शुड रिमेंबर कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है और वही पावर जो सेंटर है उसी से आपका जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास पावर पहुँचती है दैट इज़ द रीज़न की डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आइडियल सेंस में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव बट इट कैन भी Now this was all for today. Stay safe. Thank you.